गाइस हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। तो एक फिर से नया वीडियो आप लोगों के लिए हाजिर है और इस वीडियो को एंड तक देखना है, पसंद आता है तो लाइक करना है और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन भी प्रेस कर दो। तो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज़ आप देख सकते हैं कि आज के इस वीडियो में मैंने शेयर किए मदर बेबी फोटोशूट आइडियाज़। तो सारे आइडियाज़ बहुत ही सिंपल है, सोबर है, बहुत ही क्यूट है, इनको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और इस वीडियो में मैंने जितने भी फ़ोटोशूट आइडियाज़ शेयर किया है, जितने भी पोजेज़ मैंने बताए हैं, वो बेबी गर्ल के साथ भी है, बेबी बॉय के साथ भी है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने बताया कि मदर अपने बेबी के साथ किस किस तरह के पोजेस बना सकती है और किस तरह से उसके साथ फ़ोटोशूट करवा सकती है। आप सबको पता है कि मोम बेबी का, मदर बेबी का जो फ़ोटोशूट है वो बहुत ही सालों से ट्रेंडिंग चला आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में रहता है, इसका ट्रेंड कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे आइडियाज़ शेयर किए हैं मदर बेबी के और सारे बहुत ही लेटेस्ट है, बहुत सिंपल है बनाने में, इनको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने पोजेस बताए हैं न्यूबॉर्न और छोटे बेबी के साथ ज़्यादा बताए हैं, क्योंकि फ़ोटो पोजेस बनाना छोटे बेबी के साथ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, आसान होता है। जैसे ही बेबी बड़ा हो जाता है तो उसके साथ फ़ोटो पोजेस बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि बेबी टिकता नहीं है, शैतानियाँ करने लग जाता है। बट अगर न्यूबॉर्न आपका बेबी या 2-3 मंथ्स का है या 4 मंथ का, तो सबसे अच्छा फ़ोटोशूट जितना छोटा बेबी होता है उतना ही आसान भी होता है और अच्छा भी लगता है। आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो क्यूट फ़ोटो शूट्स निकलते हैं वो न्यूबॉर्न बेबी के निकलते हैं, या फिर बच्चा अगर 2-3 महीने का होता है या फिर 1 साल से छोटा होता है, उसके बाद जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं बच्चे, वो फ़ोटोज़ में नहीं आते हैं, टिकते नहीं हैं, तो एक परफेक्ट फ़ोटो निकालना भी बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो यहाँ पर जितने भी पोजेज मैंने बताए हैं ऑलमोस्ट छोटे बेबी के साथ ही बताए हैं। और आपने देखा होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ट्विनिंग करके भी फ़ोटोज़ लेते हैं, जैसे मदर और डॉटर है तो उन दोनों ने सेम ड्रेसेस पहनी हैं और उनका सेम ट्विनिंग करके वो फ़ोटो शूट कराते हैं। अगर बेबी बॉय है और मदर है तो भी वो लोग ट्विनिंग करते हैं। इससे क्या होता है कि फ़ोटोशूट और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है और भी ज़्यादा वो सुंदर लगता है, क्यूट लगता है। गाइज़ अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और आपको बेबीज़ के वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं, बहुत सारे बेबीज़ के वीडियोस मैंने वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं ऑलरेडी, बहुत सारे फ़ोटोशूट आइडियाज़ भी वहाँ पे हैं, नेमिंग वीडियोस भी वहाँ पे हैं, बेबी एक्टिविटीज़ के वीडियोस भी वहाँ पे हैं। तो बेबी से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। उसके अलावा इस वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिप्लाई वहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको मेरा फेसबुक का, इंस्टाग्राम का आईडी मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और मुझे अपने सजेशंस दे सकते हैं। आपके सजेशंस बहुत ही वैल्यूबल होंगे मेरे लिए और आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि किस तरह का वीडियो आपको चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, तो अगला वीडियो उस टॉपिक पे आ जाएगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। अगर कोई भी अपने घर में मदर बेबी का फ़ोटोशूट प्लान कर रहा है तो ये मेरा वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा उनको, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे पोजेस बताए हैं, बहुत सिंपल सोबर पोजेस बताए हैं और इनको घर में ही शूट किया जा सकता है। इसके लिए बाहर जाने की या फोटोग्राफर हायर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अपने फ़ोन से भी शूट कर सकते हो, अपने घर में किसी भी मेम्बर से आप शूट करवा सकते हो। पोजेस आपको बनाने हैं और पोजेस बहुत ही सिंपल है, इनको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो गाइज़ आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूले, आप लोग इसको लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन भी प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, मेरा कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरे चैनल पर अपना प्यार बनाए रखें और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करें। तो गाइज़ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक्स फॉर वॉचिंग।